यहाँ पे प्लेजरिज्म जो है उसके लिए आपको चार्ज कर दिया जाता है. हर कोर्स हैव टू गिव एनी फाइनल एग्जाम्स, लेकिन सम कोर्सेज में ऐसा है कि यू हैव टू. सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल. आफ्टर सो लॉन्ग टुडे आई एम शूटिंग समथिंग. एक्चुअली बहुत ज़्यादा बिजी स्केड्यूल हो गया था. सेमेस्टर फिनिश हुआ, पहले तो सेमेस्टर फाइनल्स चल रहे थे तो उस वजह से कुछ टाइम नहीं लग पाया. सो विल डिस्कस दिस लेटर. एंड आज जो मैं वीडियो शूट करने जा रही हूँ वो है रिव्यू ऑफ सेंट लॉरेंस कॉलेज. ऑब्वियसली आई हैव जस्ट कम्प्लीटेड ओनली वन सेमेस्टर, बट टिल नाउ आई विल शेयर वट आई हैव ऑब्जर्व एंड वट आर लाइक आई विल गिव यू अ जेन्युइन रिव्यू एंड टेल यू वट आर द बेनिफिट्स ऑफ कमिंग. सो अभी मैं बाहर आ गई हूँ अपनी लाइक बैकयार्ड में, टाइप ऑफ बालकनी. हमारे जो ऑनर ने हमें न्यू हाउस दिया है, इट्स रियली वेरी ब्यूटीफुल. थोड़ा मेरे काम से दूर पड़ता है मुझे, बट दैट्स फाइन. सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट माय व्यूज अबाउट सेंट लॉरेंस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो किंगस्टन है एक छोटी सी सिटी है और उसमें जो है सिर्फ दो ही एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं. वन इज़ क्वींस एंड अदर वन इज़ सेंट लॉरेंस. क्वींस में बहुत ही कम इंडियंस हैं, मोस्टली वहाँ पे लाइक जैपनीज एंड जो कैनेडियंस हैं वो हैं, या फिर और कंट्रीज़ के लोग हैं. इंडियंस सेंट लॉरेंस में ही ज़्यादा हैं इफ़ यू आस्क मी, दैट्स व्हाट आई थिंक, बट आई कुड बी रॉन्ग. टॉकिंग अबाउट एजुकेशन इन सेंट लॉरेंस, इट्स गुड. एज वी ऑल नो, लाइक इन कैनेडा द एजुकेशन सिस्टम इज़ बेसिकली लाइक बेस्ड ऑन असाइनमेंट्स एंड स्टफ. यू रियली डोंट हैव टू डू एग्ज़ाम्स. हाउएवर ये डिपेंड करता है, कोर्स टू कोर्स वेरी करता है. लाइक मेरे कोर्स में एज सच फाइनल एग्ज़ाम्स नहीं थे, बट स्टिल आई हैव टू डू सम फाइनल टेस्ट इन सम ऑफ माई सब्जेक्ट्स और कोर्सेज, नॉट इन ऑल ऑफ देम. ओके ओके, सो आई थॉट कि वो थोड़ा ज़्यादा हिल रहा है तो अब मैंने इसको स्टडी जगह पे रख दिया. एंड या आई वॉज टॉकिंग अबाउट लाइक एजुकेशन हियर. एज वी ऑल नो, कैनेडा में ज़्यादा जो भी बेस्ड रहता है वो असाइनमेंट बेस्ड रहता है. यू डोंट हैव टू लाइक जस्ट स्टडी होल द सेमेस्टर एंड गिव फाइनल एग्जाम, इट्स नॉट लाइक दैट. आपका जो भी मोस्ट ऑफ सेमेस्टर है रहेगा असाइनमेंट्स पे बेस्ड. आपके जो भी प्रोफेसर्स हैं आपको बीच बीच में कुछ असाइनमेंट्स देंगे जिनकी कुछ ड्यू डेट रहती है, और आपको उस ड्यू डेट से पहले उसको सबमिट करना होता है, और उसकी आपके परफॉर्मेंस के बेस पे आपके मार्क्स रहते हैं, ठीक है. बट उसमें ये क्या होता है, ऐसा नहीं इंडिया में एक ने बनाई उसकी कॉपी करके दूसरे ने बना दी. यहाँ पे ऐसा नहीं होता. यहाँ पे प्लेजरिज्म जो है उसके लिए आपको चार्ज कर दिया जाता है. हर कोर्स सॉरी हर कॉलेज की जो है पॉलिसी डिफरेंट होगी, आई डोंट नो, लेकिन सेंट लॉरेंस में तो ऐसा ही है. लाइक यू कॉन्ट कॉपी योर फ्रेंड्स असाइनमेंट. However, there are some tools that you can use for your assignments, but you can't like copy the exact thing. And it's also not like that. You can't even use the internet. आप internet use कर सकते हैं, but you have to include APA citations, जो कि आप जब assignments करेंगे आपको पता चलेगा. But if still you want me to shoot how to do assignments, you can just tell me, I can or drop the comments, I will try to shoot that. And ये तो रहा असाइनमेंट्स का. और ऐसे ही आप असाइनमेंट्स लाइक अगर आपका 3 या 4 मंथ का सेमेस्टर है, आप हर वीक आपको कोई ना कोई सब्जेक्ट की असाइनमेंट्स मिल रही हैं, क्विजेज हो रहे हैं, टेस्ट हो रहे हैं, इन्हीं से आपका फाइनल ग्रेड जो है कैलकुलेट होगा. एंड यू डोंट हैव टू गिव एनी फाइनल एग्ज़ाम्स. लेकिन सम कोर्सेज में ऐसा है कि यू हैव टू गिव एग्ज़ाम्स एंड आई एम नॉट श्योर विच आर दोज कोर्सेज, बट लाइक मेरे में तो एग्ज़ाम्स नहीं थे. ये तो हो गया एजुकेशन सिस्टम. और रही बात फीस स्ट्रक्चर की, लाइक अगर यू आर कमिंग टू सेंट लॉरेंस, यू नो आपको एक फिक्स्ड अमाउंट या एक साल की फ़ीस आप लोग इंडिया से भर के आ रहे हैं, बट स्टिल एंड दे माइट हैव सेड यू दैट यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग देयर एंड योर बस चार्जेस आर इंक्लूडेड इन लाइक योर ट्यूशन फीस, बट इट्स नॉट लाइक दैट. मतलब ऐसा बोला जाता है कि फीस में इंक्लूडेड है और फ्री है. मतलब जब तक हमारा सेमेस्टर ख़त्म नहीं हुआ था हम भी यही सोच रहे थे कि हमारे जो भी बस पास का या जो भी सारा ट्रांजिट का खर्चा है हमारी फीस में इंक्लूडेड है.
बट ऐसा नहीं था, हमें रिसेंटली उसको पे करना पड़ा है, लाइक बिल्डिंग चार्जेस ये वो एंड बहुत सारे अदर चार्जेस वी हैड टू पे, एंड बस ट्रांजिट का भी उसी में इंक्लूडेड था और हमने वो पे किया है। एंड उसके अलावा अगर आपकी कोर्स की फीस 18,000 है, आप ये मत सोच के आओ कि अगर आपने एक साल के भर दिया है तो आपको उसके बाद कॉलेज में कोई खर्चा नहीं करना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लाइक मेरे कोर्स में आई हैव स्पेंट लाइक $1,000, लाइक जो मैंने फीस पे करके आई थी इंडिया से, उसके अलावा मुझे ऊपर से बहुत सारी चीज़ों के इन्होंने छोटे छोटे खर्चे बता रखे, लाइक यू हैव टू डू दिस दैट, उसके लिए कम से कम $1,000 तक स्पेंड किया है उस सब को पूरा करने के लिए, जो भी रिक्वायरमेंट्स थी या जो भी इनका था छोटे छोटे खर्चे, $1,000 मैंने पे किए हैं। नॉट लाइक कि 1,000 एक ही बार में, लाइक कुछ काम किया उसमें 100 लग गया 150 लग गया, ऐसे मेरा $1,000 तक का खर्चा हुआ है। सो आप ऐसा मत सोच के आइए कि अगर आपने फीस पे कर दिया आपको वहाँ के कुछ पे नहीं करना पड़ेगा, बस पास का भी आपसे लिया जाएगा आपका सेमेस्टर कंप्लीट होने पे, और भी छोटे मोटे खर्चे जो हैं आपके कोर्स से, मैं ये नहीं कह रही कि सब कोर्स में होंगे होंगे एंड यू कांट कमेंट लाइक हमारे कोर्स में ऐसा कुछ नहीं था या समथिंग, आई एम जस्ट शेयरिंग माई एक्सपीरियंस। तो कोर्स टू कोर्स ये वेरी कर सकता है, आपको कुछ लाना है कभी या आपके कोर्स के लिए आपको कोई पर्टिकुलर प्रॉप चाहिए, कोई सर्टिफिकेट चाहिए, लाइक जैसे आपने मेरे यूट्यूब पर मेरी वीडियो देखी होगी जब मैं CPR और फर्स्ट एड की ट्रेनिंग के लिए टोरंटो गई थी। बट ऐसे ही कुछ कोर्सेज की रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि आपको पर्टिकुलर सर्टिफिकेट्स या प्रॉप्स या कुछ चीज़ें चाहिए रहती हैं जिनका आपका छोटा मोटा खर्चा हो जाता है। और उसके अलावा अगर आपको ये लग रहा है कि आपका बस का ट्रैवल फ्री होगा, तो लेट मी टेल यू ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हमें भी यही लगा था और फर्स्ट सेमेस्टर तक हम यही सोचा था कि फ्री किंगस्टन जहाँ मर्जी घूमो, बट जब हमें अभी हमारा सेमेस्टर कम्प्लीट हुआ तो हमें चार्जेस शो कर रहा था जो हमें पे करने पड़े। उसके अलावा ओवरऑल जो अगर आप बात करो, सेंट लॉरेंस अच्छा कॉलेज है एंड इट हैज़ लाइक द एम्बियंस इज गुड, बट स्टिल थोड़ा मतलब अपने आप को प्रिपेयर करके आई हो कि हाँ थोड़े ऊपर के खर्चे हो सकते हैं। एंड अदर थिंग आई विल सजेस्ट यू, आते ही अपनी जॉब्स ढूंढनी शुरू कर दो। मुझे बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे थे कि जॉब्स का क्या सीन है यहाँ पे, जॉब्स जो हैं वो मिल जाती हैं, इट्स नॉट दैट नहीं मिलेंगी, लेकिन अब जो जेन एंड टेक में आए हैं उनको डेफिनेटली प्रॉब्लम होगी, अभी बिजनेस लो है, इवन नाउ जो हम पहले से काम कर रहे हैं हमें भी आर्ट्स कम दे रहे हैं, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि बिजनेस लो है सो इसलिए, और मार्च तक बहुत कम बिजनेसेस जो हैं वो हायर कर रहे हैं, आई डोंट थिंक सो कोई रेयर ही होगा जो हायर कर रहा होगा, लेकिन मोस्टली जो हैं वो हायर नहीं कर रहे हैं। सो दिस वॉज ऑल वॉट आई थिंक अबाउट सेंट लॉरेंस, नो डाउट स्टाफ इज गुड, सपोर्टिव गुड, आपको कोई हेल्प चाहिए तो दे विल हेल्प यू, आप किसी भी टाइम उनको अपने SLC अकाउंट से ईमेल डाल सकते हैं, आपको असाइनमेंट में कोई डाउट है आप उनको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं जब मर्जी नहीं मतलब जब भी उनके ऑफिस आवर्स हैं, जब भी अगर करना है तो मेल से, एंड दे विल रिप्लाई यू। बट एंड वन मोर थिंग, ऑनलाइन क्लासेस मेरे कोर्स में तो नहीं थी, सम कोर्सेज स्टिल हैव लाइक ऑनलाइन क्लासेस, बट मेरी इन कॉलेज ही थी और मैं कॉलेज जाके ही क्लासेस अटेंड करती थी पिछले सेमेस्टर भी एंड ऑल्सो फॉर दिस सेमेस्टर। आई होप आई हैव क्लैरिफाइड एनी डाउट दैट्स इन योर माइंड एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।